हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इस बीच बड़ी खबर, जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। जी हाँ, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें निर्मला सीतारमण बताएंगी कि ये 20 लाख करोड़ का जो आर्थिक पैकेज सरकार दे रही है, कि ये आर्थिक पैकेज किस तरीके से, किस रूप में, किस किस को पहुंचाया जाएगा। हम सीधे रुक करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी रक्षित सिंह इस समय मौजूद हैं। रक्षित, और क्या जानकारी मिल रही है, अपडेट दीजिए। बिल्कुल रोमाना, देखिए जब से कल रात से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया था, उसके तुरंत बाद से ही ये कयास लगाया जा रहा था कि वित्त मंत्री आखिर कब इस पैकेज की निटी ग्रिटी से जनता को अवगत कराएंगी, देश को अवगत कराएंगी। और अब उसका समय आधिकारिक तौर पर वित्त मंत्रालय की तरफ से कंफर्म कर दिया गया है। आज शाम को 4 बजे एनएमसी में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज है उसकी बारीकी उसके बारे में वित्त मंत्री देश को बताएंगे। तो रक्षित, एक और सवाल है मेरा। हमने देखा था पिछले दिनों जब अर्थव्यवस्था को लेकर कई तरीके के सवाल थे, तो वित्त मंत्री ने एक सीरीज ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, करीबन हर हफ्ते वो आती थी और कुछ ऐलान करती थी। आज ये 20 लाख करोड़ के पैकेज की बारीकियां जब बताने जब वित्त मंत्री आएंगे तो एक साथ ही तमाम जानकारी दे देंगी, या यहाँ पर भी हम सीरीज ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख सकते हैं? नहीं रोमाना, देखिए जो ये पैकेज का कल प्रधानमंत्री ने ऐलान किया उसके बाद में अब ये माना जा रहा है कि टोटल पैकेज जो है जिसमें से आरबीआई की तरफ से लगभग 5,24,000 करोड़ रुपए के बातों का ऐलान पहले ही हो चुका है, उसके अलावा जो बची हुई रकम है 1,71,000 करोड़ रुपए का पहले हो चुका है, तो उसके बाद में ओवरऑल सेक्टर्स को आज कवर किया जाएगा, जिसमें एमएसएमई सेक्टर के लिए सबसे बड़ा पैकेज हो सकता है, एक क्रेडिट गारंटी फंड बनाने की योजना हो सकती है, इसके अलावा जो तमाम सेक्टर्स हैं उनके लिए कुछ ना कुछ रियायतें हो सकती हैं। हालांकि जैसा आपने कहा कि सीरीज ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होगी, ऐसा कुछ नहीं माना जाए कि 20 लाख करोड़ रुपए का जो लेखा जोखा है आज वो एक आर्थिक पैकेज के रूप में देश के सामने पेश कर दिया जाएगा, लेकिन सरकार की तरफ से, वित्त मंत्रालय की तरफ से उद्योग जगत के लिए जो कवायदे हैं, जो मदद है, वो लगातार आगे जारी रहेंगी और जैसे जैसे उद्योग की जरूरतें सामने आती रहेंगी उस हिसाब से सरकार काम करती रहेगी। रोमा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रक्षित सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से रक्षित ने बताया कि देखिए 5 लाख करोड़ का पहले आरबीआई वाला, इसी में 20 लाख करोड़ में जोड़ा जाएगा और 1,70,000 जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अनाउंसमेंट हो चुके हैं वो भी इसी में क्योंकि जोड़े गए, इसलिए करीब 13 लाख करोड़ का मोटा मोटा हिसाब है जो आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश को बताएंगी कि ये आर्थिक पैकेज किसको किस रूप में दिया जाएगा। शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण।